हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दुआ करते हैं दोस्तों कि आप लोग घर तरफ सब अच्छा होंगे। और शोभा पूर्णिमा ब्लॉग चैनल में आप लोग को स्वागत है। और आप लोग सब सुबह सुबह का टाइम में सब ठीक होंगे, गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, अभी पूर्णिमा जी खाना चूल्हा में लदक के आए हैं और लगता है खाना भी बन चुका है। तो ये अभी हमारे पास आने के लिए जा रही है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नीचे तरफ। दोस्तों देखिए, हम लोग खाना बना रहे हैं और खाना हो चुका है और पूर्णिमा जी अभी अंदर डेचकी और पसाने के लिए, हमारे पास ना बोलते हैं, वो लाने गई है। और देखिए आ गई, खाना बन चुका वाला साफी बोलते हैं दोस्तों हमको, उतना नहीं आता। तो दोस्तों अभी पसाने जा रही है, देखिए खाना हो चुका है और हम लोग गली में हैं दोस्तों। अभी हमारे मम्मी उधर झाड़ू लगा रही है पीछे तरफ। पूर्णिमा जी यहाँ पसा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आज हम लोग को नल में पानी नहीं आया और पानी में बहुत दिक्कत हो जाता है दोस्तों, पानी नहीं आता है तो पानी आज नहीं आ रहा है। तो हम लोग पानी लाने के भी जाना है, खाना उना पहले बना लेंगे उसके बाद जाएंगे। क्या जी तो देखिए दोस्तों, इसको अब मार पसा रही है और हम लोग अभी चलेंगे। एक नीचे डेस्क ही रख ली है, तो दोस्तों अभी मार पसा रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग सीढ़ी जो चढ़ते हैं उसी में पसा रही है। सटक जाए मार जो हल्का फुल्का रहता है वो। पूर्णिमा जी चले गए हैं, अब सब्जी वगैरह बनाएंगे हम। देखो लक्ष्मी मेरा बेटी आई है, कढ़ाई हम चढ़ा देते हैं गरम होने के लिए। ठीक है, कढ़ाई चढ़ा दीजिए, गरम होने दीजिए, तब तक सब्जी एक लेकर आइए। तो देखिए लक्ष्मी हमारा बेटी था कल मेला में, दोस्तों कुछ जिद नहीं किया कि हमको ये ले दो पापा वो ले दो, पर हमारा कृष्णा है तो जिद कर रहा था और उसके लिए एक बंदूक ले दिए हैं छोटा सा, और इसके लिए नहीं तो ये बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोला दोस्तों, और इसलिए कुछ ले भी नहीं पाए। इसके लिए पुराना गाड़ी था, हम घर में था, उसी को खेल रहा है अभी लेकर। अरे कितना अच्छा है, अरे तुरा दिखता है, तुम खतरनाक दिखता है बेटा, तुम्हारा तुम बहुत सब्र करती है। तो दोस्तों बस जितना ही है क्या? हाँ। तो दोस्तों एक बैगन है और हम लोग तो चार फैमिली हैं, तो एक बैगन है और दो चार आलू है, उतना में हम लोग का हो जाएगा। तो दोस्तों काट रही है और उसके बाद हम लोग सब्जी बनाते। लक्ष्मी यहाँ यहाँ बेटा यहाँ, बता बता कौन सा मिठाई लिए थे हम लोग, बोलो कौन सा लिए थे, बोलो। झूठ बोलती है, लड्डू मिठाई बोल रहे हैं दोस्तों, लड्डू जैसा था वो, क्या मिठाई बोलते हैं जी उसको, कौन सा मिठाई बोलते हैं उसको, बलसाही और चरखुट रहता है उसको, क्या बोलते हैं वो, भी बलसाही रहता है। तो चरखुट टाइप का मेला का मिठाई था दोस्तों, और आप लोग को मिठाई दिखाई थी दोस्तों, वही मिठाई था। अभी पूर्णिमा जी यहाँ पर अभी चीर रहे हैं, देखिए बैगन है और अच्छे आलू है, और हम लोग सब्जी बना कर उसके बाद पानी उनी डालने के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी आज तो दोस्तों चलेंगे। कर रहा था दोस्तों सब्जी बना नहीं है और ये बोल रहा है कि पापा खाएंगे खाना खाएंगे, तो कल मिठाई उठा खा के रात में सो गए थे, हम लोग खाना भी नहीं बनाए थे रात में, जो था बासी उसी वगैरह वही खा के सो गए थे। तो देखिए अभी भूंज रही थी तो निकाल दिए किसी को, आलू तो लगता है होबो ने किया है। तो दोस्तों देखिए हमारे पूर्णिमा जी मसाला पीस रहे हैं और उधर सब्जी चढ़ा रखे हैं, देख सकते हैं कि हमारा पूर्णिमा जी मसाला हम लोग बाहर में रखे हैं सिलेट दोस्तों। तो देखिए जीरा गोल की और क्या बोलते हैं लहसुन मिर्चा हल्दी, एकदम ताज़ा मसाला है दोस्तों, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है इस मसाला से हम लोग खाते हैं। तो क्या पूर्णिमा जी,
आप मसाला बाद में दिखाइएगा, जाइए तो पहले सब्जी को चला के आइए। ठीक है, हम सब्जी को चला के आते हैं। तो दोस्तों हम सब्जी को चला रहे हैं, क्या उधर मसाला पीस रही है तो काफ़ी गर्म हो गया है दोस्तों, और देख सकते हैं भाप भी बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। हम सब्जी को चला देते हैं ताकि लटकेगा नहीं, और उधर मसाला करे तब तक हम इधर थोड़ा हेल्प कर देते हैं। और एकदम लगता है हो ये गया है, खाली मसाला डालने का। थोड़ा जल्दी करिए जे, लटक रहा है। दोस्तों हम इसको ढक देते हैं, तब तक थोड़ा जल्दी आएगी और मसाला डाल देगी। दोस्तों मसाला पीस के आ चुकी है पूर्णिमा जी, डाल रही है, क्या लटक रहा था, देखिए डाल रही है और चला दीजिए। दोस्तों हम लोग जहाँ पसंद वहाँ बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग रखे हैं चूल्हा, तो अभी हम लोग इसमें नहीं बनाते हैं दोस्तों, अभी थोड़ा सा कोयला है। और अभी इधर 130 रुपये देता है बोरा जी, 130 रुपये, और कभी कभी 150 भी हो जाता है दोस्तों, लेकिन बहुत काफ़ी कोयला कम रहता है दोस्तों, क्या करिएगा, लेकिन मजबूरी में तो लेना पड़ता है। और लकड़ी भी बहुत है तो आजकल का जानते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं कि थोड़ा उसमें आसान पड़ता है, लदक के छोड़ देते हैं तो बन जाता है, और लकड़ी में कम बनाते हैं। और बारिश होने के बाद थोड़ा लकड़ी लोग रखे हैं तो भींग गया है, इसके लिए हम लोग अभी लकड़ी को प्रयोग नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और देखिए अभी लकड़ी सब रखे हैं, और ये चूल्हा हमारा पुराना है तो बताइए, पता नहीं कोई उठा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग, तो चलिए हम लोग खाना, अब तो सब्जी होने ही वाला है, उसके बाद हम लोग चलेंगे पानी लाने के लिए। दोस्तों आज तो पानी हम लोग को बहुत काफ़ी दिक्कत हो गया दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप लोग देखते हैं तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा वीडियो में थोड़ा सा बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए बनाते हैं, आप लोग देखते हैं और काफ़ी प्यार भरा आप लोग को मतलब अच्छा अच्छा कमेंट आता है, हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है। क्या पूर्णिमा जी, हम जा रहे हैं मार फेंक देने। हाँ मार को फेंक दीजिए। क्या हमारा लक्ष्मी बेटी और हमारे पूर्णिमा जी धो रहे हैं, और पानी नहीं आया है दोस्तों, तो घर का पानी से, और हम लोग अभी पानी लाने जा रहे हैं कुआँ, बहुत दूर है, और आप लोग को दिखाएंगे अभी आप लोग जहाँ जाएंगे। तो नल में एकदम पानी नहीं आया है, सूख गया है एकदम पानी, कुछ भी नहीं है, घर का पानी था उससे बर्तन वर्तन धो के, और हम लोग जा रहे हैं पानी लाने के लिए दोस्तों। लक्ष्मी देखिए मेरा बेटी एकदम पूरा धो रही है अपने से, नीच रही है, मम्मी का पूरा हेल्प करती है तो छोटा, लेकिन लक्ष्मी है तो बहुत हेल्प करती है। देखिए देखिए किस तरह कर रही है, हाला करेगा कृष्णा, भैंसवा दे रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर पेड़ में चढ़ा है, और लक्ष्मी को थोड़ा सा बोल दे रही है। उधर हमारे पापा बैठे हुए हैं, तो देखिए दोस्तों अब हम लोग जाएंगे, बर्तन काफ़ी धवल हो चुका है, अब हम लोग जाएंगे पानी लाने के लिए। लक्ष्मी हो गया, नदी नदी अभी नहीं जाएंगे बेटा, बाढ़ आया है नदी में। दोस्तों हम लोग पानी लाने के लिए जा रहे हैं, हम लोग नल में पानी नहीं आया है तो, और देखिए काफ़ी दूर है दोस्तों, अभी हम लोग पानी लाने के लिए जा रहे हैं, देख सकते हैं पूर्णिमा जी पीछे पीछे आ रहे हैं अभी। देखिए चलिए दोस्तों कुआं में मिलते हैं, दिखाते हैं कैसा कितना दूर है। तो दोस्तों काफ़ी दूर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, इधर पकड़ी उकड़ी पूरा चर रहे हैं, अब पूर्णिमा जी आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम बकरी उकरी इधर उधर चल रहा है, और काफ़ी दूर आ चुके हैं, और अभी भी हम लोग को और आगे जाना पड़ेगा दोस्तों, और हमारा बहन भी है साथ में आ रही है, बोलिए कि चलिए भाभी हम भी लाते हैं, क्योंकि हमको भी लाना पड़ेगा। हम बोलते थे दोस्तों एक दिन हम लोग ऐसा होगा कि पानी फिर से उससे होगा, फिर परेशानी होगा, पता नहीं कब बनेगा, कब पानी आएगा पता नहीं। अभी हम लोग जाते हैं दोस्तों, काफ़ी दूर आ रहे हैं, इधर भी बस्ती उसकी है, घर उर है दूर दूर में, हम लोग आ रहे हैं अभी, और चलिए बने रहिए अभी। तो दोस्तों यहाँ पर बाउंड्री है, पार किया जाते हैं, एक बाउंड्री है जिससे दूसरा का कुआँ है, तो थोड़ा बाउंड्री मार दिया है, हल्का फुल्का खेती वेती होता है, तो यहाँ पर हम लोग पार होते हैं, देख सकते हैं आप, उसको पकड़ दीजिए,
यहाँ भी काफ़ी दिक्कत होता है दोस्तों, इधर से पानी लेकर जाते हैं तो फिर रख के उसके बाद उस पार होकर फिर लेके जाते हैं। एक तो दिक्कत उधर से दूर है ये है, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री है, काफ़ी दूर में है और सामने अगल बगल कहीं भी चपाकल उपकल नहीं है दोस्तों। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर जोतल खेत है दोस्तों, देख सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, कुआं की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग कुआं के पास आ चुके हैं और बहुत काफ़ी पुराना कुआं है और हमारा बहन भर रही है और पूर्णिमा जी उधर रेस्क्यू की लेकर वो छान रहे हैं। काफ़ी गड्ढा है दोस्तों और अभी बरसात का मौसम है तो पानी ऊपर में है, काफ़ी ज़्यादा रस्सी डुबाना नहीं पड़ता है, कुछ कमे में निकल जाता है। तो देखिए पानी उनी भर रहे हैं और खेती लगा हुआ है, बादाम उदाम का खेती उती कर दिए हैं इधर और एक तुलसी का क्या बोलते हैं मेहंदी ना, हम तुलसी बोलने जा रहे हैं। तो देखिए इस तरफ एकदम पूर्णिमा जी एकदम आराम से बढ़िया से धो रहे हैं, देख सकते हैं। हम लोग गाँव में दोस्तों आदत हो गया है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग तो देखिए पानी भर रहे हैं, तो दोस्तों पूर्णिमा जी भी भर रहे हैं अभी और देखिए काफ़ी गढ़ा है दोस्तों, देखिए डायरेक्ट डुबाइयर निकाल दिए दोस्तों। तो देखिए पूर्णिमा अभी भर रहे हैं, पूर्णिमा जी हमारा पानी भर रहे हैं, देखिए कुआं में किस तरह से डाल रहे हैं बाल्टी, देखिए आस्ते आस्ते भरते हैं क्योंकि गंदा आ जाएगा दोस्तों। कितना साफ पानी है। तो दोस्तों उधर पानी भर रहे हैं और इधर हम लोग पूरा एकदम भर रहे हैं, कुआं देख ही रहे हैं आप लोग, लकड़ी पटा हुआ है, एक पलकुटा बोलते हैं वो दिया हुआ है। तो अभी हम लोग पानी भर रहे हैं और यहाँ पर एक अमरूद का पेड़ है दोस्तों, अमरूद भी है ऊपर में, पका हुआ नहीं है कांचा, भर रहे हैं और उधर काम भी कर रहे हैं अपना, खेती होती है। दोस्तों उधर बहुत ज़्यादा दूर थोड़ा सा है, उसमें हाथी उथी उधर है जंगल तरफ दोस्तों, पर अभी तो उधर हाथी उथी नहीं आते हैं, पहले आते करते थे बहुत पहले, और इधर से भी पार एक बार हुआ था दोस्तों खेत खेत से, बहुत थोड़ा दिन हो गया अब थोड़ा उस सब अब नहीं आता है दोस्तों, बहुत पहले आता था अब नहीं आते हैं, वो लोग भी कहाँ कहाँ थोड़ा छुप गए। तो देखिए पानी भर रही है पूर्णिमा जी, किस तरह से हम लोग चढ़ के भरते हैं, अगर गोड़ वोड़ फिसल जाएगा तो गिरने का चांस रहता है, लेकिन गाँव का आदत रहता है कभी फिसलने का डर ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों पानी हम लोग भर चुके हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पूरा सभी में, और निकलेंगे घर की तरफ। तो दोस्तों पानी भर चुके हैं और ललिता, तो देखिए वहाँ पर हम लोग को दिक्कत होता है, बाउंड्री है तो वहाँ पर अभी रख के और फिर उसको बाद लेगेंगे, फिर उससे पार करेंगे। चलिए हम हेल्प कर देते हैं, और भी पानी है दोस्तों, हम लोग पार करते हैं, बाउंड्री से पार करेंगे उसके बाद। अभी लोग पानी लेके जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, और वहाँ पर से घेरा हुआ है दोस्तों, उससे पार करना होगा, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए दोस्तों लाली हमारा आ रहे हैं, हम पूर्णिमा जी पीछे हैं, पानी ला रहे हैं और यहाँ पर हम लोग को पार होना पड़ेगा, तो हम पहले पार होते हैं, खेत से बाउंड्री पार हो चुके हैं, अब पूर्णिमा जी भी आ गए, तो हम लोग पहले यहाँ रखेंगे, काफ़ी दिक्कत है। तार ला ले। जाइए उसको भी, और वहाँ पर छोड़े हुए हैं कुआँ में, उसको लेकर आइए। तो दोस्तों कुआँ में हम लोग छोड़ रखे हैं, तो उसको लाने के लिए जा रहे हैं, हम यहीं पर रखते हैं, वीडियो बने रही है दोस्तों। तो दोस्तों बाकी था उसको लाने के लिए, अभी पूर्णिमा ला रही है, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। रखना भी है ना ले रुपया। तो देखिए दीवाल दिया हुआ है इसमें, देख सकते हैं आप दीवाल दिया हुआ है दोस्तों, ऊपर कुआँ है, कुआँ से हम लोग लाते हैं कुआँ, और अभी निकलेंगे। कृष्णा बेटा भी मेरा आ गया उतना दूर से, तो चलिए बने रहिए ब्लॉक में हम लोग। दोस्तों एक मेरा बेटा है तो बोल रहा है लेके जाएंगे, तो एक पूर्णिमा जी उसको बहा दिए हैं, चलिए आप लोग भी चलिए, हो गया चलिए, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा दोस्तों। आज काफ़ी मौसम अच्छा है दोस्तों, चलो पापा। हाँ
तो देखिए हम लोग अब निकलेंगे दोस्तों। चलो कृष्णा, चलो 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 चलो। देखिए हमारा बेटा बोह कर ले रहा है, भारी तो होगा बेटा। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं घर की तरफ पानी लेकर, पूरा गली की तरफ आ चुके हैं, घर पहुंच रहे हैं, थक भी गई है। गली की तरफ घूस रहे हैं, अंदर लेकर आइए। तो दोस्तों हम लोग रखते हैं दोस्तों, तो हम लोग ब्लॉग को यहीं पर रख देते हैं और एक अच्छा सा ब्लॉग लेकर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों। काफ़ी थक चुके हैं और अभी हम लोग को काम भी करना है दोस्तों, जैसे मिट्टी का नीचे ज़मीन को हम लोग लेस रहे हैं, और जैसे कि अभी हम लोग पास पैसा वैसा नहीं है, प्लास्टर वास्तर करने में बहुत खर्चा लगता है दोस्तों, तो पैसा नहीं है, तो हम लोग मिट्टी को नीचे लेस कर और ज़मीन को बना रहे हैं। और कल हम लोग अगले नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग लेकर मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए बाय बाय।